योग ट्यूटोरियल चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को भी दबाएं ताकि हर वीडियो मिले आपको सबसे पहले। परमात्मा बताते हैं जैसे लागी प्रारंभ है, आप पुणात्माओं को दास, क्योंकि दास डॉक्टर है, आप रोगी हो, जन्म मृत्यु का दीर्घ रोग आपका लगा हुआ है। इस दास को पता है कि आपका कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है, आप जी को नहीं पता होगा। तो आप जी के अंदर एक विशेष कसक, एक ऐसा सुरूर चढ़ेगा कुछ दिन कि आपको परमात्मा की भक्ति और इस नाम के अतिरिक्त किसी की चर्चा भी अच्छी नहीं लगेगी। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि पहले तो हम आते हैं दुखी किसी उद्देश्य को लेकर, उद्देश्य धीरे धीरे पूरा हो जाता है, उद्देश्य के साथ साथ फिर ज्ञान और समझ में आ जाए, चौंदसी टूट जाती है, फिर इतनी लगन लगती है, फिर वो सुख गणा दे देता है, क्योंकि ये सुख का सागर है, दुख आन ही नहीं देता यदि नियम में रहोगे तो। फिर कुछ दिनों में फिर वो और बीमारी काल भेज देता है, कभी ब्याह हो गया, कि तो शादी होगी, कि तो किसी मृत्यु होगी, उसमें फिर कर्म बिगड़वा देगा, वहां फिर लोग लाज अड़ा देगा। पर आप जी संख्या में कम हो और हमारे कुल के लोग संख्या में अधिक हैं जो काल उपासना कर रहे हैं, आन उपासना कर, तो वो आपके कर्म फिर बिगड़वा देते हैं, कितना न कितना लोक लाज में आकर फिर नियम भंग कर ही बैठते हो। नियम भंग होने से भी आपको आपत्तियां नहीं आएंगी कुछ दिन, क्योंकि आप जी पहले साल, 2 वर्ष, 3 वर्ष गणित अच्छी साधना नियमित कर गए, वो पुण्य आपके साथ चल रहे हैं। तो जिस कारण से आप एक बार नियम भंग कर दोगे तो आपको आपत्ति नहीं आएगी, फिर दूसरी बार भी कर दोगे फिर भी नहीं आवेगी, फिर तो आप न सोचोगे कोई फर्क ना पड़ा, अरे यो काल का दाव होगा। तो पुण्यात्माओं, इस परमात्मा की मर्यादा को आप लक्ष्मण रेखा समझ लेना, जो नियम आपको बताए गए, तो ऐसे ही परमात्मा ने जो मर्यादा बनाई है लक्ष्मण रेखा समझ लेना, इसे नियम तोड़ दोगे तो काल के आपका काल का जाल आपके ऊपर फिर से शुरू हो जाएगा। जैसे लागी आदि में ऐसी निम्भ तोड़े, अपनी तो संशय नहीं भाई जीव उतर जा करोड़े। जैसे प्रारंभ में आपके मालिक की लगन लगती है, आखिर तक लगी रहेगी, तो आप तो पार हो गए, आपके सुखों को देख कर ना जाना कितने जीव और परमात्मा के चरणों में आकर कल्याण करवा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।